पुरानी कहानियां बताती हैं एक पौराणिक योद्धा के बारे में, जिसकी कंग फू तकनीक बस देखते ही बनती थी। वो यहां वहां भटकता रहा काबिल दुश्मनों की तलाश में। तो तुम्हें चबाना पसंद है, शायद पहले तुम्हें मेरी मुट्ठी पर चबाना चाहिए। योद्धा ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका मुंह भरा हुआ था। फिर उसने निगल लिया और फिर वो बोला, बातें बहुत हो गई, चलो लड़े। वो इतना खतरनाक था कि उसके दुश्मन उसका कमाल का हुनर और लड़ाई का ढंग देखकर दंग रह जाते। मेरी आंखें, ये लाजवाब है और खूबसूरत। हम तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएंगे? धासू पने का कर्ज उतारा नहीं जाता, ना खूबसूरत पने का। इससे फर्क नहीं पड़ा कि उसने कितने दुश्मनों का सामना किया, वो उसके धासू पने के सामने टिक नहीं पाए। इससे पहले कभी कोई पांडा इतना भयानक नहीं था और प्यारा भी, बल्कि चीन के सबसे जाबाजी भरे जाबाज भी, यानी खतरनाक पांच ने उसके हुनर के आगे सिर झुका दिया। हमें साथ रहना चाहिए। अग्रीड। Yes! पर साथ रहने के लिए जरूरी था इंतजार, क्योंकि जब आप राक्षस पहाड़ के हजार राक्षसों का सामना कर रहे हो, सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता था और वो था। ओ, ओ, चलो उठो वरना काम के लिए देर हो जाएगी। क्या?